स्वागत है आपका YouTube चैनल टेट फैक्ट एकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय। आज के वीडियो में हम आपसे बात करेंगे 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के बारे में, जो कि जो है 2020 में जो है चल रही है। और इसमें जो है बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 पदों के विपरीत जो है 31,277 पदों पर जो है जनपदों को जो है क्या किया गया है, आवंटित किया गया है। जो लोग जो है सिलेक्ट हुए हैं और उनकी जो एक लिस्ट है, चयनित सहायक अध्यापकों की जो सूची है, वो आपकी बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज की वेबसाइट upbasicedubord.gov.in पे प्रकाशित है। ठीक है, तो ये जो है एक विज्ञप्ति आज की डेट में मतलब जारी हुई है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं दिनांक 13/10 लिखा हुआ है पत्र का, और आज 14 तारीख है। 14 तारीख को ये दैनिक जागरण में ये विज्ञप्ति आई है, भदोही जिला की है, और ऐसे भी अन्य भी बहुत सारे जिलों की जो है लिस्ट निकली है। तो ये वीडियो बनाने का मेरा जो मकसद है वो सिर्फ एक ही मकसद है कि हर बेसिक जिले में क्या किया गया है कि अलग अलग अभिलेख मांगे गए हैं। तो ऐसा ना हो कि जब आप काउंसलिंग वहां कराने जाएं तो आपसे कहा जाए कि आप ये डॉक्यूमेंट्स नहीं लाए, वो डॉक्यूमेंट्स नहीं लाए। तो हमने यहाँ पे क्या किया है कि जो दो जिले ऐसे सेलेक्ट किए हैं जिसमें कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स की जो है लिस्ट दी हुई है, और आपको इन्हीं लिस्ट को जो है फॉलो करके इसी के अनुसार अपनी काउंसलिंग फाइल आप जो है तैयार करिएगा। ठीक है, क्योंकि वहां पे पहुंचने पर ऐसा ना हो कि आपको कोई डॉक्यूमेंट्स कह दिया कि नहीं है, आपको रिटर्न कर दिया जाए या आपको परेशान किया जाए। तो यहाँ पे जो है हमारा प्रयास ये है कि जो वास्तविक जो अभिलेख हैं, जो क्या क्या लग रहे हैं, वो पूरी एक फाइल आप बना करके ले जाएं। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। और जो भी अभ्यर्थी जो है हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भदोही का ये जो है प्रेस विज्ञप्ति जारी हुआ है। 13/10 की विज्ञप्ति है और 14/10 और 15/10 को काउंसलिंग है। बहुत अजीब सी बात है। ठीक है, 13/10 का लेटर है और 14/10, 15/10 को जो है ये तैयारी करवा रहे हैं काउंसलिंग के लिए, और सुबह 10 बजे पहुंचना भी है, कैसे होगा देखते हैं। और यहाँ पे जो चयनित अध्यापक सूची है वो प्रकाशित कर दी गई है, upbasicedubord.gov.in पर प्रकाशित है। यहाँ से भी आप देख सकते हैं, देख तो लिया होगा सब लोगों ने, ऑनलाइन अप्लाई जो किया है तो सबने देख ही लिया होगा। और अब जो डॉक्यूमेंट्स लगने हैं उनकी बात कर लेते हैं, भदोही जिला में क्या डॉक्यूमेंट्स लग रहा है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि सबसे पहले जो है आपको सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा का जो आवेदन पत्र है वो लगाना होगा। फिर उसके बाद जो है सहायक अध्यापक चयन नियुक्ति हेतु भरा गया आवेदन पत्र जो कि आपने ऑनलाइन भरा है, ठीक है, वो लगाना होगा। और इसी क्रम में होगा, जो क्रम है उसी क्रम में रहेगा। और आवेदन पत्र में जो अंकित पहचान पत्र है वो लगाना होगा। आवंटित जनपद की सूची का प्रथम पृष्ठ, जिस पृष्ठ पर चयनित अभ्यर्थी का नाम अंकित हो वो पृष्ठ लगाना होगा। सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के पदनाम से निर्धारित आवेदन शुल्क का जो है बैंक ड्राफ्ट आपको लगाना होगा। और सरकारी अर्ध सरकारी विभाग के अधीन पूर्व से कार्यरत अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के समय सक्षम अधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। ठीक है, फिर है समस्त शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के मूल अभिलेख व समस्त प्रमाण पत्रों की 2 सेट स्वप्रमाणित छाया प्रतियां और पासपोर्ट साइज के 4 फोटोग्राफ ये आपको लगाने होंगे। इसके बाद आपको कह रहे हैं 9वें नंबर पर बीएड विशेष शिक्षा के अभ्यर्थियों को रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया आरसीआई द्वारा कॉलेज को प्रदान की गई मान्यता की कॉपी आपको लगानी होगी, जो कि आपको आरसीआई की वेबसाइट पर मिल सकती है। 10वां है बीएड डीएलएड डीएड के अभ्यर्थियों को एनसीटी द्वारा कॉलेज को उत्तीर्ण वर्ष में प्रदान की गई मान्यता की कॉपी। एनसीटी की जो है वेबसाइट पे जाएगा तो वहां पे आपको ये लिस्ट मिल जाएगी, वहां से आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों कॉपी आपको एक आरसीआई से मिल जाएगी, एक एनसीटी की वेबसाइट पे मिल जाएगी। फिर है 100 रुपए का नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर फोटो शपथ पत्र आपको जो है देना है। इसमें क्या देना है इसमें लिखा नहीं है, इसीलिए हमने यहाँ पे जो है 2 जिलों की जो है लिस्ट ली है। ठीक है, क्योंकि कम्प्लीटली इसमें जो है आपको सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में पता चल जाएगा, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अरेंज करके जो है आपको क्या करना है फोल्डर फाइल में जो है बना लेना है, और वही फोल्डर फाइल लेके आपको काउंसलिंग करानी है। ठीक है, तो ये तो भदोही जिला का था, और आगे देख लेते हैं दूसरे जिले का। दोस्तों, जो डॉक्यूमेंट्स की जो है कमियां या जो चीजें जो है भदोही जिला में लिखने से छूट गई थी या अन्य जिलों की जो विज्ञप्ति आई है उसमें भी नहीं लिखा है, उसको जो है हमने संभल की जो है जो विज्ञप्ति आई है उसमें कुछ चीजें क्लियर की गई हैं, तो इसलिए यहाँ पे हमने जो है संभल की विज्ञप्ति भी ली है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो डिटेल्स दी गई वो तो आप देख रहे हैं, और एड्रेस वगैरह दिया जा रहा है जहाँ काउंसलिंग होनी है। और डॉक्यूमेंट्स देखिए क्या क्या मांगे गए हैं, समस्त शैक्षिक अन्य मूल अभिलेख मांगे गए हैं, सुरक्षित फाइल कवर में यानी कि फोल्डर फाइल में ही ले जाना है। ठीक है, फोल्डर फाइल में आपके डॉक्यूमेंट सुरक्षित रहते हैं, वो डोरी से बंधी रहती है, ऊपर नीचे पूरा पैक होता है। फिर है समस्त शैक्षिक अन्य अभिलेख की 2 सेट जो है स्वप्रमाणित छाया प्रति है, 4 पासपोर्ट है, और देखिए बैंक ड्राफ्ट मांगा गया है। ठीक है,
ये आपको जो है उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के पदनाम से दे करना है, और सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 500 है, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 200, दिव्यांग के लिए निःशुल्क है। ठीक है, अब यहाँ देखिए जो नोटरी शपथ पत्र देना था उसमें क्लियर नहीं लिखा था, यहाँ पे देखिए दो नोटरी मांगे गए हैं। ठीक है, एक 100 रुपए का है और एक 10 रुपए का है, तो क्या देना है इस नोटरी में ये भी देख लीजिए। ये कचहरी से बनेगा आपका, ₹100 के नोटरी शपथ पत्र पर इस आशय की घोषणा की ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरी गई समस्त सूचनाएं मूल शैक्षिक अनविलेख पूर्णतया सही है तथा वह जनपद में नियुक्ति होने के उपरांत अंतर जनपदीय स्थानांतरण की मांग नहीं करेगा। तो ये 100 रुपए का जो है नोटरी शपथ पत्र आपको देना है। ठीक है, यहाँ पे जो है क्लियर लिखा गया है, उसमें जो है क्लियर नहीं लिखा गया था, सिर्फ ये कहा गया था कि नोटरी शपथ पत्र दीजिए। और यहाँ पर देखिए एक और नोटरी शपथ पत्र दिखाया जा रहा है, 10 रुपए का जो नोटरी शपथ पत्र है जिस पर एक ही जीवित पति पत्नी होने का घोषणा पत्र आपको देना है। ठीक है, और साथ ही शिक्षा मित्र के मामले में जो है यहाँ कहा जा रहा है कि शिक्षा मित्र के मामले में सक्षम अधिकारी तथा निर्गत अद्यतन कार्यरत रहने का एवं अनुभव प्रमाण पत्र चाहिए। ठीक है, काउंसलिंग उपस्थित होने की दशा में आवेदक के अभ्यर्थन पर विचार किया जाना संभव नहीं होगा। और यहाँ पे एक नोट लिख रहे हैं कि 3/6/2020 को जो काउंसलिंग कराए थे जो अभ्यर्थी, उनके अभिलेख जो हैं जमा हैं, वो प्रमाण पत्रों की जो प्राप्ति रसीद है और आवेदन शुल्क नवीन बैंक ड्राफ्ट ले जाना है। ठीक है, काउंसलिंग में उपस्थित होना है। तो ये डिटेल्स थी आपकी जो है काउंसलिंग कराने के लिए क्या फाइल्स लग रही है। तो दो जगह का मैंने जो है इसमें शामिल किया था, क्योंकि कई जगह जो है क्लियर नहीं दिया है क्या ले जाना है। इन दोनों जिलों की जो है आप विज्ञप्ति देख के आपको क्लियर होगा कि क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो जो है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि इन्फॉर्मेशन सबको जो है मिल सके, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्त मित्रों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जो शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं। जल्दी अपने नए वीडियो के साथ पुनः आपके सामने उपस्थित होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।